बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह भले ही बॉलीवुड टाउन के पर्दे पर नजर इस साल आई लंबे वक्त के बाद। फिल्म बदला के जरिए अमृता सिंह को देखा गया बॉलीवुड टाउन में दोबारा से, लेकिन अमृता सिंह बॉलीवुड में मजबूरियों की वजह से आई थी। आपको बताना चाहेंगे, अमृता सिंह ने पैसों के लिए फिल्म बदला में काम किया, जिसमें अमृता सिंह अमिताभ बच्चन के साथ थी। फिल्म में उनकी भूमिका जो थी एक माँ की थी, जो कि अपने बेटे के लिए काफ़ी ज़्यादा रसती है और एक प्लान करती है ताकि सच्चाई का पता लग सके। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह के बारे में ये भी हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि अमृता इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दूर है लाइमलाइट से। अपने बच्चों की वजह से वो धीरे धीरे बॉलीवुड की लाइमलाइट में आ रही हैं। बीते कुछ समय से, कुछ महीनों से कहा जाए कि सारा अपनी मॉम को सोशल मीडिया पर लाने के लिए बड़ी वजह बनी है, क्योंकि कभी उनके साथ डिनर डेट, कभी उनके साथ रेस्तरा, तो कभी शॉपिंग मॉल से लेकर नजर आती हैं अमृता सिंह के साथ उनकी बेटी सारा तमाम ऐसे जगहों पर, यानी कि सलून से लेकर घूमने वाली जगह पर जहां वो अपनी मॉम के साथ एंजॉय करती है टाइम। वो अमृता कभी अपने एक्स हस्बैंड सैफ के कारण काफी एम्बेरस हुई थी। दरअसल सैफ अली खान तलाक से पहले अमृता सिंह पर तो हमेशा प्यार लुटाते नजर आए, पार्टीज फंक्शन में ये साथ हुआ करते थे, लेकिन तलाक के बाद सैफ अली खान ने अमृता सिंह से मुलाकात जरूर की। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी बेटी सारा के ग्रेजुएशन वाले डिग्री को उनके मिलने के लिए पहुंचना था उन्हें कॉलेज। सैफ अली खान फिर अमृता सिंह से कभी नहीं मिले। सैफ ने अमृता सिंह से तलाक लेने के बाद कारण बताए थे तलाक के कई, और अमृता सिंह से शिकायतें भी जाहिर की थी। सैफ ने बताया था उन्होंने कि उन्होंने अपने बच्चों से मिलने के लिए तरसना होता था। अमृता ने अपने बच्चों को सैफ से दूर रखा, रिलेटिव यानी कि रिश्तेदारों के पास रखा, क्योंकि वो काफ़ी बिजी हुआ करती थी। सैफ रोते थे अपने बच्चों से मिलने के। ये सारे खुलासे जब सैफ ने इंटरव्यू के जरिए किए तो अमृता काफ़ी ज़्यादा इंबैरेस हुई। फिर अमृता सिंह की तरफ से भी तमाम बयान आए और उन्होंने सैफ अली खान को गैर जिम्मेदार तक बताया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।